अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि हमारा एक्सीडेंट हो गया और हम लोग मरते मरते बचे हैं। भाई शादी में तो कहिया क्योंकि मेरे स्कूटर में थोड़ा खराबी आ गई थी, एक्सीडेंट अपने आप जाम हो गया और गाड़ी एकदम स्पीड में भाग गई। ब्रेक मारते मारते फिर हम लोग गिरे, लेकिन अल्लाह के शुक्र से बच गए। रुकैया को थोड़ा चोट आया है, इसको यहाँ चोट आ गया है, सूजन भी आ गई है। और इतने छोड़ आने के बाद भी ये लोग कल मालूम कहाँ गए थे? ये लोग कल गए थे मोहम्मद अली रोड शॉपिंग करने। हम सब लोग मतलब ये लोग का मैं भी गया था, सब लोग गए थे तो वहाँ से सब शॉपिंग करके लाए, जिसका ब्लॉग हमने डाल दिया है, आपने शायद देखा हो, जिसने ना देखा हो उसका लिंक दे दिए हैं हम लोग, आप लोग देख लेना। तो जिस दिन हम लोग यहाँ गए थे मोहम्मद अली रोड, उसके एक दिन पहले हम लोग गिरे थे, लेकिन फिर भी इनको कपड़ों का इतना शौक था कि पहुँच गए वहाँ, चलते चलते लगड़ाते लगड़ाते। और तो उस दिन तो मतलब चोट लगी थी, लेकिन मोहम्मद अली रोड चलने की वजह से इनके मतलब पैर में और सूजन भी आ गई है, क्योंकि हम लोग सुबह गए थे मोहम्मद अली रोड, आए रात को 12:30 बजे। तो हम वहाँ से क्या कहला आपको दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में शादी है। तो शादी किसकी है ये सस्पेंस है, आपको हम बाद में बताएंगे, जब शादी में जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो इतना सामान सभी लोगों ने सजा दिया, चढ़ाई पैसा देखो। तो सबसे पहले शादी के लिए आया है क्या है, देखो इनका कोट पैंट है, थ्री पीस फोर पीस फाइव पीस पता नहीं क्या है, फाइव पीस है। ये हमने एक लिया है। और शादी में क्या लिया, फटाफट दिखाओ चलो। यहाँ पैंट है और ये शर्ट है, प्यारा लग रहा काफ़ी। मुझे जीन्स लिया एक और एक जीन्स के लिए, हाँ डेनिम का शर्ट लिया है। जितना शादी में हो गया और शादी में हो गया, हाँ एक लिया देखो, जैकेट वाला कुर्ता। अरे ये मेरे साइज का नहीं था, मैं ले लेता, मिला ही नहीं। तो आप लोग ये कमेंट करना कि शादी में बात, क्योंकि हमको जाना एक दिन बारात वाले दिन और फिर एक वलीमे वाले दिन। तो आप ये कमेंट करना कि बारात में ये कोट पैंट पहने या ये जैकेट वाला कुर्ता पहने, ये दोनों शादी में को। तो आप लोग कमेंट करना, क्योंकि एक दिन वलीमे पहनना, एक दिन बारात में पहनना है, ठीक है। और आपको बता दूँ, ये जो है इनके भाई का जो बेबी हुआ है उसके लिए इन्होंने ले लिया एक कपड़े का सेट। और मेरे यहाँ पे एक ये सूट लिया है पापा ने, हाँ ये देखो ये सबसे ज्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पापा के पसंद है। ये मेरी चॉइस है, सब मेरी पसंद रहती है। तुम लोग क्या पसंद करते हो इसका, इसको क्या बोलते हैं, प्लाजो है। प्लाजो है उसका, कुर्ती है। और ये मम्मी का भी, हमने बहुत महीनों से, कई महीने से मम्मी के पास नकाब कर रहे थे, तो फाइनली इनका नकाब भी आ गया। देखो दिखाओ कैसा लगा आप बताना कमेंट में, इनका नकाब रुक जाओ, झुमके का भी सस्पेंस से बताता हूँ। देखो तो ये देखो इनका नकाब है, मुझे अच्छा लगा इसका जो सीन दिखाओ। हाँ ये देखो काफ़ी खूबसूरत सीन में बना हुआ ये, और गले में भी बस खाली इसको क्या है, थोड़ा इनकी हाइट कम है और दुबली पतली भी है, तो इसका थोड़ा फिटिंग कराना है। बाकी अच्छा है, नीचे थोड़ा छोटा हो जाएगा, साइड टाइट हो जाएगा। तो ये नकाब कैसा लगा इनकी मम्मी का, इसका दुपट्टा, अच्छा हाँ इसका दुपट्टा है। आप लोग कमेंट जरूर करना। तो मैंने आपको बताया मोहम्मद अली रोड पे आपको हर चीज़ें हर तरह की मिल जाएगी। तो मोहम्मद अली रोड का ब्लॉग आप लोग जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इनके लिए सैंडल है, ये शादी का कोट पे पहनने वाला शूज़, और ये ऐसा नॉर्मल पहनने वाला शूज़ है, और मारे का भी एक शूज़, और ये सही किसका है, मम्मी का, ये मम्मी का सैंडल है। और हमने कितना, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 हिजाब लिया है, ये मारिया और इनकी मम्मी पहनेंगी। तो आपको हिजाब का प्राइस बता दूँ मैं, ये हिजाब 200 रुपये वाला ना, ये 200 का ये भी है, ये 150 वाला है, हाँ इसको दिखाओ, हाँ ये 150 वाला हिजाब है, और ये 100 रुपीज वाला है, तो वही 100, 150, 200 वाले हिजाब है सब। एक पर्स मम्मी का इनके, और ये छोटा वाला मारिया का, और हमने एक वहाँ पे कैरी बैग भी लिया, ये कितने का था, 250 का ये बैग भी लिया, 250 का बता रहे, अरे वहाँ ऐसे ही है, हाँ 600 का बता के 250 को दिया, तो वहाँ आपको बार्गेनिंग करना ही पड़ेगा। हाँ ये मारिया का जैकेट लिया हम लोग, मारिया काफ़ी पसंद आ गया, देख ये भी ले लिया हमने। आपको मैं बता दूँ कि सबका तो कपड़ा मिल जाता है, रेडीमेड हो या बिना सिला हो, लेकिन मेरे साइज का कुछ मिलता नहीं है। तो मैं बहुत ढूंढा बच्चे वाले सेक्शन में भी जाकर ढूंढा, लेकिन मेरे साइज का कुछ मिला नहीं। तो फाइनली आखिरी में मैंने क्या लिया मालूम, मेरे लिए शर्ट का कपड़ा लिया है। देखो ये एक शर्ट का कपड़ा, ये दूसरा शर्ट का कपड़ा, दो हो गया, ये तीसरा। तो मैंने 3 ले लिया था, टोटल मैंने 5 शर्ट के कपड़े लिए। तो अब शादी तो बस 2-3 में है ना, 2-3 दिन में, 2-3 दिन में ही है। अब देखता हूँ कोई शर्ट मेरा सिल के देता है कि नहीं, और शादी में मैं कौन सा सिलाऊंगा, मुझे ज़्यादा दोनों ही अच्छा लग रहा है ना। हाँ ये वाला नहीं, ये दोनों पहले मैं सिला लूँगा शादी के लिए, उसको फिर बाद में सिलाऊंगा, चलेगा। और ये
शाहरुख खान है ना अपनी पठान मूवी में पहना। कहीं नहीं पहना हुआ, तुम लोग पागल हो। मम्मी बोलती है मैं तो नहीं देखा पठान में पहना हुआ ये। तो अगर पहना था तो आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि हमें तो याद नहीं आ रहा। क्या मन पागल हो गए। और जो हमने सबसे मेन से लिया वो तो आपको दिखाया नहीं अभी तक। सबसे मेन आपको दिखाता हूँ, क्योंकि उसका अभी आधा ही सामान हमारे पास है। ये हामिम की शॉप पे हम लोग गए थे, तो वहाँ पे हमने रुकैया के लिए उनकी शॉप पे ना शादी के क्या बोलते हैं, हाँ ब्राइडल पार्टी वेयर सूट, बड़े प्यारे प्यारे लहंगा चोली घरारा फरारा पता नहीं क्या क्या बहुत आइटम मिलता है। इतने आइटम में बता आपको पता नहीं पता। तो उसका हमने काफ़ी नाम भी सुना, तो हम लोग वहाँ गए थे तो इनके लिए गरारा है ना, वो क्या है वो गरारा। तो इनके लिए गरारा और कुर्सी जो भी है हमने लिया है, उसका दुपट्टा दिखाओ। तो ये उस गरारे का दुपट्टा है, सिर्फ आप अभी दुपट्टा ही देख सकते हो। ये है मोतिया, लेकिन क्योंकि सूट जो है वो फिटिंग करके मिलेगा, वो फिटिंग का नाम ले लिए हैं वो, और एक दो दिन में वो फिटिंग करके दे देंगे। तो गरारा काफ़ी खूबसूरत है उसका, आप वो पुरानी वीडियो देखोगे ना मोहम्मद अली रोड की, उसमें दिख जाएगी। आने के बाद फिर आपको दिखाएंगे, शादी में लोग पहनेंगे तो आपको देखेंगे ही। तो सबसे मेन मेन कपड़े वहीं मिलते हैं। और मारिया के लिए भी एक हमने लिया है, क्योंकि दो दुकानें हैं, एक हामिम है एक ये है मैमनाज। हाँ मैमनाज, तो हामिम में से जो है हमने हामिम की दुकान है, एक दुकान में से हमने रुकैया के लिए लिया और एक शॉप से मारिया के लिए लिया। तो मारिया का ठीक था, लेकिन उन्होंने बोला एक साथ में आप लेकर जाना। मेरे लिए कोई जीन्स पैंट वैंट ये सब नहीं हो पाया है। दस्तरखान को दिखा रही हूँ, दस्तरखान भी दिखा रही है। देखूँगा कोई जीन्स मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पुराने जीन्स में काम चला दूँगा, शर्त तो नया रहेगा। आप लोग कमेंट मत करना क्या करूँ, मेरे साइज का मिलता नहीं। जीन्स एक से प्यारी प्यारी मेरे लिए थी, लेकिन सब भाई 28 जो साइज, सुनो 28 जो साइज होता है ना वो सबसे छोटा साइज होता है, लेकिन 28 भी ना मेरे कमर से नीचे चली जाती है, आती नहीं मुझे, क्या करूँ साइज का मिलता ही नहीं भाई, मजबूरी है, दुबला हो गया हूँ बहुत। और रुकैया ने झुमका भी लिया है, झुमका जो है ना अपने ड्रेस से मैच करके लिया। देखो ये अभी पूरा सूट आएगा तब आपको समझ में आएगा। तो हमारा दो दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो जब से स्कूटर हमारी वहीं खड़ी है जहाँ इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसको जब से लाने गए नहीं वहीं खड़ी है। तो अब जाते हैं स्कूटर को, वहाँ से धक्का कर देंगे, जाते हैं मैकेनिक के पास, स्कूटर को बनवाते हैं फिर, क्योंकि बिना स्कूटर काम चलने वाला है नहीं। गलती इस बार जो है ना वो मैकेनिक की है, उसको मैंने बनवाया, इससे पहले मैंने बनवाया एक दिन और ऐसे हो गया था, तो मैकेनिक वाश ले गया उसको बनवाया, इसको बोला सही कर दे जो भी इसका तार वगैरह ख़राब होने लगा दे। तो खाली एक वाइसर उसमें से निकाल दिया और बोलता बस सही है जाओ, गारंटी है ख़राब नहीं होगी। दो दिन में ही हो गया, अरे उस दिन हम लोग बच गया समझ लो, जान बच गई। नहीं तीनों जन्माए शादी में रुकैया, तीनों लोग थे उसमें, पता नहीं क्या होता अल्लाह के, इसका पैर में सूजन आ गया, उसको डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ेगा। मैं अपना शर्ट का कपड़ा भी दोनों लेके जाऊंगा, क्योंकि शादी पर दो तीन दिन में ही मुझे पहनना है, देखता हूँ कोई अर्जेंट में अगर सिल लेगा तो सिलवा लेता हूँ। हम लोग ऑटो जा रहे हैं, हमारी यहाँ गाड़ी खड़ी, यहाँ से काफ़ी दूर हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ जाएंगे और देखते हैं आस पास कोई मैकेनिक हुआ तो वहीं बनवा लेंगे, या तो फिर धक्का लगा के आएंगे फिर। तो हम आ गए अपनी लोकेशन पर, लेकिन हमारी गाड़ी नहीं दिख रही है, वो शायद आगे खड़ी हो। हाँ तो ये हमारी दोस्तों गाड़ी खड़ी है, देखो वो काफ़ी गंदी भी हो गई, देखो ये तो धूल धूल लग गया इसमें, तो दो दिन से यहाँ खड़ी थी, हम आ ही नहीं पाए। तो इसका जो एक्सीडेंट है ना ये खराब, देखो जाम हो गया, देखो घूमता ही नहीं, देखो ये जाम हो गया है। हम उस दिन जो गिरे थे ना यहाँ से गिरे, देखो अभी तो निशान नहीं है, उस दिन निशान था, ये निशान बना हुआ था हल्का, देखो यहाँ से घसीटते हुए पूरा यहाँ से, ऐसा हम लोग यहाँ गिरे थे यहाँ, उसको गाड़ी यहीं छोड़ के हम लोग चले गए थे, वो बच गए थे, टेम्पो भी लड़ने वाले थे हम लोग उस दिन ना, लेकिन बच गए थे अल्लाह का शुक्र से। जो लेडीज़ लोग हैं ना बैठी यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, ये लोग बेचारे बचाने आए थे हमको, पानी वानी पिलाए थे इन लोगों ने पानी वगैरह दिया था रुकैया को, यही लोग हैं, वही पूछ रहे कैसा है, लगा है कि नहीं लगा। यहाँ आ चुके हैं, एक भी मैकेनिक ही नहीं है हाईवे रोड पे, फिर भी जो है ना एक मैकेनिक नहीं मिला कहीं पे भी, अभी कितनी दूर जाना पड़ेगा पता नहीं। उनकी बेटी हम लोगों को देखती है, हम लोगों को देख करके ये रोड क्रॉस करके इधर आए हैं, चलो फिर रोड क्रॉस करके आगे चलते हैं। तो अभी ये भाई आए हैं अपने बाइक से, हमारे बाइक को धक्का लगाएंगे आराम से, क्योंकि जगह नहीं मिल रही धक्का लगाने की। आराम से ए गिर ना जाए कहीं भैया धक्का लगाने के चक्कर में। तो ये अभी इधर आ गए हैं, अब देखते हैं आगे कहीं मैकेनिक है तो मैकेनिक की दुकान मिल गई है,
अब हम दिखाते हैं अपनी गाड़ी को। ये उससे क्या किया ना, इसको निकाला था, इसको निकाल के इसके अंदर एक वाइसर था काला काला, खाली वो निकाल दिया बस, वो कुछ किया नहीं। इसको बोला अभी ब्लैक फंस रहा है, मुझे लगा, लेकिन वो बोलता नहीं, कारीगर में बोलता कारीगर में कि तुम ऐसा। अब इसका सारा अंजर पंजर देखो खुल गया, ये पूरा पूरा देखो ज्यादा हो गया। वायर नया डालेंगे, उसके वायर में गड़बड़ी थी, वो बार बार फंस रहा था। कैसे हो सब लोग, ठीक हो? नाम बताओ अपना। अरे अपना नाम नहीं मालूम। साथ तुम्हारा क्या? सनीज। ये थोड़ा सा यूनिक नेम है, अच्छा नेम है। हाँ, हमारी यहाँ गाड़ी बन रही है और कुछ चाय के नशे लग गई है। देखो चाय लाने के लिए पता नहीं कहाँ गई, देखो कहाँ से लेकर आई चाय। अरे लेके आई यार, फाइनली यार मिल गई चाय। वाह ये बच्ची अच्छी है, इसने मुझे बताया चाय की दुकान कहाँ पर है। तो कप की कमी हो गई है, चाय पूरी पड़ गई। चाय वैसे चाय बन जाती है, कप की कमी पड़ गई, तो तीन चाय बनी है, वो लोग एक ही पी लेंगे अपना। उन्होंने भैया को चाय दे दी है। चलो चाय की सेवा करवा दिया भैया ने, थैंक यू। तो इस गाड़ी में आए दिन कुछ ना कुछ खर्चा लगा रहा था, जब तक गिरी इस बार ना, ये बोलती है गाड़ी में बैठूंगी नहीं, जब तुम नहीं बैठोगे गाड़ी किस काम करे थे, ये बोलती हूँ नई गाड़ी दिलाओ उससे बैठूंगी। उनको पता नहीं गाड़ी कितने की आती है, ये गाड़ी मैंने जब लिया था उस टाइम 70,000 की गाड़ी थी पूरे फुल, मतलब फाइनल 70,000 की। अभी ये गाड़ी है इसी तरीके से, कोई भी गाड़ी लेंगे ना, 1,10,000, 1,20,000, 1,25,000 गाड़ी मिलेगी, मतलब 50,000-60,000 रुपये दाम बढ़ गया। कितने 5 साल में खाली, 4 या 5 साल में साइकिल से चलते हैं। हाँ सही, वो दाम नहीं रह गया, महंगाई हो गई है, तो गाड़ी में बढ़ता हर साल ना 10,000 रुपया बढ़ते रहता है, तो 40 से 50,000 रुपया बढ़ चुका है। फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी बन चुकी है, इसका एक्सीडेंट देखो अब तो सही है, फंस नहीं रहा, देखो सही हो गया है, बस यही रहे कि दोबारा ये काम ना हो बस यार। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठो। नहीं पहले चला के आओ। बैठ ले रही है, कोई भरोसा नहीं है। नहीं चलाऊं? हाँ चला के ऐसे घुमा के लाओ, गए ऐसे चला के घुमा के लाने, मेरे को लग रहा है अब डर इस गाड़ी पे बैठने में। एक तो मैं ऐसे ही डरती हूँ गाड़ी में बैठती हूँ, ऊपर से ये गाड़ी खराब इनकी। और जितनी जल्दी हो सके तुम नया गाड़ी ले लो, मैं इस गाड़ी पे बैठूंगी नहीं। नहीं तो भैया ये गाड़ी मेरे पे 10 साल और चलेगी। ना मैं नहीं बैठूंगी इस गाड़ी पे, मुझे डर लग रहा है। 10 साल तो मेरी जिंदगी भी नहीं है, लेकिन 10 साल ये गाड़ी चलेगी। अभी भी मैं बैठी हुई हूँ, मैं डर रही हूँ, और मेरे आखिरी मोमेंट तक ये गाड़ी रहेगी। मैं नहीं बैठने वाली इस गाड़ी पे, मेरे मरने के बाद गाड़ी बेच देना। काहे के लिए फालतू बातें मत किया करो। तब मैं हूँ गाड़ी पे तुम्हारे। ढूंढते ढूंढते हम लोग आए गए यहाँ जींस और टी शर्ट की शॉप में। तो आपको पता है मेरा साइकिल जींस तो मिलता नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल से ढूंढते ढूंढते एक जींस मिल गई है, वो भैया लेके गए हैं, थोड़ा उसको फिटिंग करा के दे देंगे, पहनने के लिए हो जाएगा। बाकी टी शर्ट शर्ट और जींस मेरे साइज़ की बहुत पसंद तो बहुत सारी आ रही है, लेकिन मेरे साइज़ की एक भी है नहीं। हमारी जींस भी फिटिंग होकर आ गई है, थोड़ा ढीला डाला था उसको फिट करा दिया उन्होंने, अब जींस ले लिया, चलते कोई शर्ट कोई टेलर ढूंढते हैं जहाँ शर्ट सिल जाए, तो शर्ट भी सिला लेते हैं, तो मेरा शादी का फुल इंतजाम हो जाएगा। और अभी पापा नाप दे रहे हैं, तो यहाँ पे पहले कपड़ा भी ले लिया भैया। तो दोस्तों ऑपरेशन से पहले मेरी कमर थी 32, अभी हो गई 27.5। और अभी एक पैंट सिला रहे हैं और दो शर्ट सिला रहे हैं, बाकी बाद में फिर, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं इनकी दुकान पे, तो अच्छा सिलेंगे तो हम लोग यहीं पे आते रहेंगे। पापा पेमेंट देने जा रहे हैं। मैंने अपना यहाँ कपड़ा सिलने के लिए दे दिया 2 शर्ट, और इनके यहाँ से एक पैंट का कपड़ा भी ले लिया, पैंट भी सिलने के लिए दे दिया, तो कल सिल के दे देंगे भाई। जो मैं जींस लाया तो मैं आपको दिखाया नहीं, मैंने यारी जींस है, तो बहुत दिन के बाद मैंने ये फंगी डंगी क्या बोलते हैं इसको, फाड़ो मत अभी से निकल गया। हाँ जो भी यारी लिया है बहुत दिन के बाद, कपड़ा मतलब बहुत सॉफ्ट है इसलिए मैंने ले लिया, काफ़ी पसंद है। और जो शर्ट सिलने के लिए दिया 2 शर्ट देखते हैं इसमें कौन सी मैच करती है। ए नाक पूछ रहा क्या भाई? हाँ 2 बार टाइट कराओ, एक यहाँ से कहाँ, एक यहाँ से, फिर भी ढीली, अभी उसको और टाइट कराना पड़ेगा। ये 28 कमर की पैंट है, ये टाइट करने के बाद 27 से कमी हो गई, लेकिन अभी भी ढीली है। ये देखो 28 लिखा हुआ है, देखो फिर भी ढीली है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहो। आज हमारा चैनल बहुत डाउन जा रहा है,
बहुत डाउन जा रहा है, मतलब तीनों का ही डाउन जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।